अनेक है कल्याण संघ जिंदाबाद 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 108 102 कर्मचारी कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद तो कौन है आप लोगों चढ़ जाएंगे ले ले भाई बनने के पहले आप लोगों को आश्वासन मिला है, सरकार बनने के बाद भी आप लोग आंदोलन में हैं, क्या आप लोगों की प्रमुख मांग है तब तक मानी नहीं गई? यह हमारी बड़ी विडंबना है कि भूपेश सरकार कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पूर्ववर्ती सरकार में हमारे मंचस्थ होकर के जो है वादा किए थे कि आप लोगों का जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी आप सबका सविलियन किया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग में मर्ज किया जाएगा, साथ ही आपको आपके मेहनत का सही मेहताना दिया जाएगा, 12 घंटे आप ड्यूटी करते हो 8 घंटे किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर भूपेश सरकार ने वादा किया था, किंतु आज नई सरकार बनने के बावजूद भी 8 महीना बीत जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है। हम लगातार चर्चे का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, सरकार केवल पहल करने की बात करते हैं लेकिन किसी भी प्रकार की नतीजा सामने नहीं आती है। नतीजा आज हमें रैली स्वरूप जो है वादा निभाओ रैली निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। सरकार से हमें उम्मीदें हैं, अपेक्षा है कि समस्याओं को गंभीरता से लें। यह छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना को स्वास्थ्य विभाग में मर्ज किया जाए और इस समस्या को हमेशा के लिए समाधान किया जाए ताकि आगे उग्र आंदोलन करने की स्थितियां निर्मित ना हो। यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो जीवीके हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, ये क्या है इसके बारे में बताएं? चूँकि यह जो योजना है जीवीके नामक एक स्वयं संस्था कंपनी को दी गई है, इस कंपनी सरकार द्वारा मोटी रकम तो लेती है इस योजना का संचालन करने के लिए लेकिन कर्मचारियों तक उसकी सही मेहताना नहीं पहुंचती है, बीच में कमीशनखोरी करती है जिसके वजह से बार बार कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता या विरोध करने की नौबत आती है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके हमेशा के लिए सेवा को दुरुस्त करे, यह सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यदि सरकार शराब जैसी योजना को अपने में संविलियन कर सकती है, विद्या मितान को हाल ही में जो है कलेक्टर दर पे देने का वादा किया गया है तो क्यों ना 108 102 संजीवनी योजना जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना है इसको सविलियन करके इसका समाधान हमेशा के लिए निकाला जाए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि बार बार ये आंदोलन करना पड़े, इससे आम जन जीवन प्रभावित होती है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इसकी हमेशा स्थायी निराकरण निकाला जाए ताकि आंदोलन की स्थितियाँ निर्मित ना हो और ये सेवा सबको या आम जन को जो है सुचारू रूप से मिले। बोर्ड भी पीछे आप लोगों ने लगा रखा है जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं, ये कब का बोर्ड है क्या है? ये पिछले आंदोलन के दौरान जब हम सेंट्रल जेल में धरना दिए थे, सेंट्रल जेल में जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी 154 हमारे कर्मचारी भाई बहन जो है गिरफ्तारी दिए थे, उस समय भूपेश सरकार स्वयं जो है सेंट्रल जेल में जाकर समर्थन किए थे कि आप लोग को जल्द यहाँ से रिहाई की जाएगी और हमारी सरकार आएगी तो आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया जिनकी बहाली को लेकर के आंदोलन? टोटल 2200 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था जिसमें से लगातार शिकायत करने के बाद जो है कुछ कर्मचारियों को नियम शर्तों के तहत जो है कार्य पर वापसी किया गया, किंतु अब भी 550 कर्मचारी जो है हमारे बचे हुए हैं जिनकी तत्काल बहाली होनी चाहिए, उसी मुद्दे को लेकर के जो है आज रैली निकाला जा रहा है। 102 और 108 के कुल कितने कर्मचारी हैं जो धरने पर? पूरे प्रदेश में 108 102 के 2800 कर्मचारी हैं जिनमें से 2200 कर्मचारी बर्खास्त किया गया था, 550 कर्मचारी आज भी बचे हुए हैं। अपना परिचय दें। शिव साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष 108 102 कर्मचारी कल्याण संघ, रायपुर छत्तीसगढ़।